हेलो फ्रेंड, देखिए हम आज जा रहे हैं एग्ज़ाम देने रेणुकूट। वहाँ पे एग्ज़ाम है रेणुकूट हिंडालको में, स्टील पावर प्लांट है हिंडालको में। तो जा रहे हैं, घर से ही जा रहे हैं, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं हिंडालको का स्टील पावर प्लांट कैसा है। और वहाँ पे रिहन डैम भी है, तो आपको दिखाएंगे कैसा है रिहन डैम और स्टील पावर प्लांट हिंडालको का। ओके, चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम आ गए हैं हिंदुआरी और दो लोग साथ में हैं, तो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बस नहीं आया है, तो बस आएगा तो हम लोग चलेंगे। तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रेणु सागर हिंडालको। देखिए फ्रेंड, हम बस में बैठ गए हैं और साथ में हैं दो तीन लोग भी और पीछे हैं, जा रहे हैं और आपको सोनभद्र का इको पॉइंट दिखाते हैं। देखिए ये है सोनभद्र का इको पॉइंट। देखिए ये है सोनभद्र का इको पॉइंट और ये है वीर लोरिस पत्थर आगे है, और यहाँ पे मारकुंडी पहाड़ी है जो काफी नीचे है। और ये हैं हमारे ड्राइवर साहब। और देखिए यहाँ पे है बेलोरी पत्थर। देखिए ये है बेलोरी पत्थर, इसके बारे में तो काफी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस ये जानते हैं कि किसी ने एक ही बार में इसको काट दिया था। और आपको हम दिखाते हैं मारकुंडी पहाड़ी कितना ज्यादा साइज है। देखिए यही मारकुंडी पहाड़ी जो काफी ज्यादा नीचे है, और पहाड़ों पर से उतरना पड़ता है बहुत धीरे धीरे, नहीं तो यहाँ पर दुर्घटना हो सकता है। यही है सोनभद्र का नजारा। ये है मारकुंडी पहाड़ी जो काफी खतरनाक है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट 6-7 टर्निंग पॉइंट है, जैसे आराम से उतरना पड़ता है। देखिए वहां पे है 2-4 बस जा रही हैं, आपको दिखाते हैं जूम करके। ये वहां पे जा रहे हैं, इतना ऊपर जा रहे हैं, वहां से धीरे धीरे उतरती हैं, हम वैसे ही उतर कर आए हैं, काफ़ी खतरनाक। ओके फ्रेंड, ये है सोनभद्र का सोन नदी, इसी के नाम पे सोन नदी के नाम पे ये सोनभद्र नाम पड़ा है। तो पानी तो काफ़ी ज़्यादा कम है इसमें, इधर भी है, डबल पुल है। देखिए फ्रेंड, हम आ गए हैं डाला, और डाला में वैष्णो मंदिर है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिन में काफी अच्छा तो नहीं लगेगा दिखने में, रात को सजावट ही अच्छा होता है तो यहाँ पर अच्छा लगता है देखने में। देखिए ये है डाला वैष्णो मंदिर। ओके, और हम आ गए हैं चौपर। तो चलिए अब देखते हैं फिर आगे क्या है, फिर आपको दिखाते हैं सोनभद्र के क्या क्या प्रसिद्ध चीज है। देखिए फ्रेंड, यहीं है हिंडालको का स्टील पावर प्लांट। पूरा तो नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा दिख पा रहा है। देखिए फ्रेंड, ये है हिंडालको का मेन गेट, और यहीं से जाया जाता है इंडस्ट्री में। तो इसी का पेपर है, देखते हैं क्या होता है। यही है हिंडालको। ओके,
देखिए यही है रिहन डैम। तो यहाँ पे पानी से बिजली बनता है। देखिए सोनभद्र का रिहन डैम हाइड्रो पावर प्लांट। तो ठीक है, काफी अच्छा है, अगर मौका मिले तो आइए घूमने। ओके, देखिए यही है वन देवी मंदिर। तो यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे बंदर अंदर भी रहते हैं, देखते हैं। देखिए काफी अच्छा लगता है वहाँ पे आने पे। अगर आपको घूमना होगा तो जरूर आइएगा यहाँ पे भी। और बिरला मंदिर भी है रेणुकूट में, काफी बड़ा है बिरला मंदिर। ओके, और ये जंगल में है तो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड यही है रिहन सागर, और इसी पानी से बिजली बनता है, और काफी बड़ा है। देखिए फ्रेंड हम लोग बस से उतर गए हैं और सेंटर पर जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना दूर सेंटर है। अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बस नज़दीक ही है, 1-8 किलोमीटर। तो आपको दिखाते हैं जाके कैसा है सेंटर। ओके, देखिए फ्रेंड हम सेंटर पर आ गए हैं, और यहाँ पे NTPC है, हिंडाल्को का NTPC, आपको दिखाते हैं। देखिए ये है हिंडाल्को का NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। कई यूनिट हैं यहाँ पे, और यहीं पे एग्जाम देना है सेंटर। देखिए आदित्य बिरला हिंडाल्को, काफ़ी अच्छा है। तो 1:30 बज गया है, 2 बजे से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, तो चलते हैं एग्ज़ाम देने। यहीं पे लड़के सारे बैठे हुए हैं। ओके, देखिए ये है आई लव रेणु सागर। देखिए काफी अच्छा है यहाँ पे भी, सजावट काफी अच्छा हुआ है। ओके, देखिए 3-4 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, देखिए मेरा एग्जाम हो गया है और हम घर जा रहे हैं, और मेरा फ्रेंड एक आ गया है, आपको दिखाते हैं 1 सेकेंड। देखिए फ्रेंड ये है थर्मो पावर प्लांट, और यहाँ पे है क्या है यार, एयर कूलिंग टावर। यहाँ पे कूलिंग टावर है, आपको बैक साइड से दिखाते हैं। देखिए ये है कूलिंग टावर। देखिए यहाँ पानी गिर रहा है और यहाँ पे ठंडा होता है, और काफ़ी दिख नहीं रहा है, आपको दिखा रहे हैं। ये पानी गिर रहा है झरने द्वारा, और यही है और ये सब स्टेशन है, पावर प्लांट, गेस्ट हाउस, यही सब है थर्मो पावर प्लांट में। ये आपको रोपवे का है, देखिए ये है रोपवे का झूलन टावर, झूलन टाली। देखिए चल रहा है, जा रहे हैं सब, जिसको जाना होता है जाता होगा। क्या जाता है भाई? कोयला के लिए बना हुआ है। अच्छा, कोयला इसमें जाता है। देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग कर चुका है इसको, इसको पता है। कभी कभी इसे ट्रक से भी जाता है। अच्छा, ट्रक का ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये उस समय बाद हट जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये खतरा है इससे। ओके, कभी रहता है। देखिए इसमें से कोयला वाला जाता होगा, तो सुन है हटने वाला है और हम बाइक से जा रहे हैं। ओके, और यही है देखिए, दो दो लगा है रोपवे झूलन टावर। कोहरा के वजह से रोड एकदम काला हो गया है, वैसे रोड काला होता है लेकिन और काला हो गया है। वर्कर कॉलोनी, और ये है वर्कर कॉलोनी यहाँ का। स्टॉप कर देता हूँ उस साइड में, एरिया मैनेजर फोन इलेक्ट्रीशियन सभी हर यहाँ पे हैं। और ये
है शुभम डिप्लोमा का मित्र और इस एरिया का गुंडा डॉन। ट्रेनिंग करते समय मंगाए यहाँ से ऑर्डर किए हैं, आप भी मंगा सकते हैं, आपका तो चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ लिया जा रहा है बंदा। हाँ रे हमसे दोनों को मिला था, इसको यहाँ पे रूम मिला था, यहीं पे यहीं से बंदा प्रैक्टिस कर रहा था। तो भाई इसका जलवा है यहाँ पे, इसका घर भी यहीं पे है, जलवा है इनका। चलते हैं अब फिर क्या होता है। एलो प्लांट है ये जो सूखा राख होता है, यहाँ से वहाँ मतलब प्लांट से लाके यहाँ कलेक्ट किया जाता है, थोड़ा दूर रखते मतलब ये कलेक्ट किया जाता है, साइलो प्लांट कहते हैं इसको। और ये एस का ही डिपार्ट है ये, और यहाँ जो है और ये जो है ये वहाँ से ये राख जो है कभी जो सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जैसे डाला हुआ सीमेंट फैक्ट्री वहाँ के लिए भेजा जाता है। यहाँ जो राख निकलता है और जाता है ओबरा डाला सीमेंट बनाने के लिए, मतलब पानी वाला आता है उसको वहाँ बेचते हैं पिछड़ी। हेलो फ्रेंड, देखिए हम लोग बस में बैठ गए हैं और जा रहे हैं घर। देखिए चेहरा लाल हो गया है, तो एसी बस है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी भी नहीं लग रहा है। अब तो चलते हैं, अब चलते हैं रेणुकूट, वहाँ थोड़ा बिरला मंदिर है घूमेंगे। ओके हेलो फ्रेंड, देखिए हम लोग जा रहे हैं रेणुकूट बिरला मंदिर। तो जाने के लिए बहुत उत्साह थे सब, हम तो गए हैं तो सोचे कि चलो अच्छा दिखा देते हैं, हाँ कि कैसा है, तब जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं बिरला मंदिर कैसा है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके देखिए फ्रेंड, ये है बिरला मंदिर का मेन गेट, तो हम लोग यहाँ से इंटर करेंगे। ओके तो हम लोग इंटर कर रहे हैं, आप देखिए काफ़ी अच्छा है यहाँ का बागवानी। तो हम लोग आ गए हैं और अभी ऊपर है मंदिर, तो ऊपर जाने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। देखिए और यहाँ पे हम लोग शूज वगैरह उतारेंगे। ओके तो देखिए फ्रेंड, हम जा रहे हैं अब ऊपर और आपको दिखाते हैं बिरला मंदिर। यह है पंकज और यह है चंदन, जो अपना शक्ल नहीं दिखाना चाह रहा है बंदा। तो चलते हैं, काफी ऊपर चलना है अभी। और देखिए यहाँ पे कुछ सजावट हुआ है। ओके हम लोग आए थे पेपर देने, सोचे आए हैं तो घूम ले भाई, फिर कब आएंगे। तो देखिए अब हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है।
ऐसी है। और मंदिर देखिए ऊपर है, ये है मेन गेट यहाँ का, तो चलते हैं ऊपर। ओके, तो देखिए ये है मंदिर और यहाँ का पार्क, काफी अच्छा है यहाँ पे। और ये है मंदिर, देखिए काफी बड़ा मंदिर है। देखिए अंदर का यह फोटो है, क्योंकि अंदर मना है तो हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं अंदर का सीन। ओके, और हम बाहर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे भाई कोई है, पता नहीं क्या कौन है, तो ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ मंदिर का सीन बाहर से, देखिए। और यहाँ सब फोटो शूट कर रहे हैं, एक से मन नहीं भर रहा है। और फ्लावर देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे, अभी और रात होता है तो अच्छा रहेगा, तब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। देखिए ये है बैक साइड से मंदिर का व्यू, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, देखिए काफी अच्छा है, अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो जाते समय आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे फुहारा चालू है, क्या जबरदस्त फुहारा है, ठीक है। और यहाँ फ्लावर वावर लगा हुआ है, और ये देखिए फुहारा, ज़्यादा पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका पानी बाहर आ रहा है। देखिए मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखाता हूँ, लाइटिंग लगा क्या गजब का है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा है, तो भाई काफी तो अच्छा है यहाँ पे, ओके। देखिए हम लोग जा रहे हैं वापस, चलो यार चलो 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 चलो। और इधर जंगल है पूरा, काफी अच्छा है यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं, ओके। तो ठीक है फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं घर वापस, तो घूमने में काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, देखिए कितना मस्त लोकेशन है। ठीक है तब, ओके बाय।